जो पब्लिक प्रेशर था वो उन्होंने हिम्मत की, और जो हमारी अप्रोचेस थी ऊपर अफसरान में, हमने वो अप्रोचेस किए और किसी न किसी तरीके से उसको रुकवाया। क्योंकि वो इसलिए रुक गया कि उनका अभी तक लेटर नहीं निकला था अप्रूवल का, तो वो हमें लेटर दिखा नहीं सके। और रात का वक्त था, हम लोगों ने वहां पे हंगामा आरई की, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गए। लेकिन इस वक्त फिर हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अब उन्हें लीगल अप्रूवल दे दी गई है इन दो कनेक्शंस की, जो कि कल लगे या परसों लगे या आज लगे, इस तरह की सूरत हाल है। और ये कनेक्शंस अगर लग जाते हैं तो फिर हम भूल जाएंगे हमें पानी मिलेगा। तो ऑफिसर्स के ऊपर जितनी अप्रोच है, जितना आप लोगों की वजह से ही हमें जो ताकत मिली है, उस ताकत के जरिए से हम लोगों ने जितना रोक सके थे, हम सकते थे, हम लोगों ने उसको रोका। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें, क्योंकि वाटर बोर्ड ने उनको लीगलाइज किया है, तो वो एक बार फिर वहां पे ट्राई करेंगे, और इसके लिए फिर हमें आप लोगों की जरूरत होगी। खासतौर पे मैंने आप लोगों को इस वजह से बुलाया है कि अगर हमें पब्लिक की जरूरत पड़े, आवाम की जरूरत पड़े, तो फिर हम लोग एक आवाज पे जो है वो निकले। और खासतौर पे ये इस चीज का भी जिक्र करूंगा कि ये हमारा सियासी मसला नहीं है, ये हमारा इज्तमाई मसला है, जिसमें मैं समझता हूं कि हमें, हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस काम को, ये तारे खैर है, क्योंकि लोगों की जरूरत पानी जिंदगी है, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये सियासत से बिल्कुल हटकर बात है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की सियासत नहीं है। मैं पार्टी लेवल पर भी, चाहे हमारी अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी पार्टी, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो भी हमारे साथ आए। और मुश्तरका तौर पे, क्योंकि ये पानी सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं है, ये पानी हम सब का है। और जहाँ जो यहाँ पे रहता है, चाहे मुखालिफ है, चाहे वो हमारा हिमायती है, लेकिन उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। क्योंकि इस अमल से सिर्फ हम महरूम नहीं होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महरूम नहीं होगी, बल्कि इब्राहिम हैदरी में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस पानी से महरूम हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये छोटी सी मीटिंग एमरजेंसी में बुलाने का मकसद ये था कि हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ चाहते हैं। जिस वक्त ये कनेक्शन लगने आएगा, हमारे बंदे वहां पर बैठे हुए हैं, हमें फौरन इत्तला भी पहुंचेगी, और फिर उस वक्त आप लोगों को, तमाम लोगों को हिम्मत करनी है। सिर्फ जो मौजूदीन हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, फिर मौजूदीन का भी काम होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालें। और हम रोड ब्लॉक करने जाएंगे, और हर हालत में, हर सूरत में इन कनेक्शंस को हमें रोकना है। अगर हम ये कनेक्शंस रोक ना पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। तो इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी थी, और इस हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इनमें से कोई, आप में से कोई बोलना चाहे, आप में से कोई राय देना चाहे, तो वो भी दे सकता है कि इसमें और क्या तरीके कार हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोग इसको रोक सके। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपकी क्यादत में सब गैरतमंद लोग बैठे हुए हैं, और अपने हक के लिए, और पानी एक सबसे बड़ा हक है, और इस हक के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी, हाजी शफी जावट मरूम की क्यादत में हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, सबने मिलकर एक टाइम पर, जब पीएफ बेस अपना कनेक्शन चोरी करके लेके जा रहा था, उस टाइम में भी आजू बाबा की क्यादत में हमारे सब बड़ों के खड़ों की यही जंग लड़ी थी, और आज हम वही जंग वापस लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। के लिए जंग है, और पानी हम सबका हक है। जिस तरीके सबको पता है यहाँ पर कि जान साहब ने पानी
हर घर तक पहुंचाने की नियत करने के लिए नियत की और ये इस मेहनत में सबको शामिल किया कि मेरी माँ और बहनों के सर से ये पानी का बर्तन हटे। वो मेहनत अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। उस मेहनत को पूरी किए बगैर ऊपर से हमारे ऊपर एक अजाब, जो कि एमएस तारिक नाम की कंपनी, उसका मालिक हफीज जट, पैसे खिला के टैंकर्स भेजने के चक्कर में उसने अपना हाइडेंट यहाँ पे अप्रूव कराया, जो कि 24 इंच की हमारी इब्राहिम एदरी की लाइन है, जिसमें से सिर्फ इब्राहिम एदरी और पीएफएस को पानी मिलता है। उस 24 इंच में से 12 इंच के कनेक्शन तो वो कानूनी तौर पे ले रहा है, तो पीछे बचेगा हमारे पास क्या? हम सब जान साहब इस मामले में आपके साथ हैं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम हर जानी तरीके से, माली तरीके से हम आपके साथ हैं। आप बेफिक्र रहें, आप हिम्मत करें, आप आगे बढ़ें, आपकी क्यादत में इंशाल्लाह से हम सब साथ हैं। सब साथ हैं, हम साथ हैं। जिंदगी आए ए पानी के सिवा इंसान है जानवर पंजी बखा है वजूद नथा रखे सगन उन ला कर जाने आलम जामोट साहब जदे के कयादत में कौन हुआ ना ही असाना जेका एमपी महमूद आलम जामोट साहब ओ भी जेका सो उन टाइम ते के ऐवान में कौन हुआ ना कोई एमपी हुआ तदे का वठी इब्राहिम एदरी जे इन जो खास तौर पे जो पानी जो मसलो आ उन ला कर जाखोड़ कई ऐं मूंखे इलाही खुशी आहे ऐं जाने आलम जामोट साहब खे इहा दात थो ॾियां की 99% जेको आहे सो इब्राहिम एदरी में पाणी जो मसलो हल करे छॾियो। पाणी असांजो हक़ आहे, पाणी कंहिंजे पीउ जी जागीर कोन्हे की जेको इहे ॿारहं अची पंहिंजे पाणी ते धाड़ो हणंदा ऐं पाण माठिया वेठा हूंदासीं ऐं जेको पाणी पंहिंजो जेको आहे सो खसे ॿियनि माण्हुनि सां विकिरो कंदा इन लाइ करे असीं जेको आहे सो घर में कोन ॾींदासीं। अॼु आउं ऐलान थो करियां कि पाकिस्तान फिशर फोरम जेको आहे सो पाणी जे हिन मसइले में जाने आलम जामोट साहब सां शाना बशाना बीठी हूंदी ऐं तेसि ताईं बीठी वेंदी जेसि ताईं असीं पंहिंजो बुनियादी हक़ इन्हनि जाबरनि वटां इन हे जेका पाणी चोर आहिनि इन्हनि वटां जेको पाणी जो हक़ नथो वठी लाहे तेसि ताईं फिशर फोरम हवा सां इब्राहिम एदरी जी आबादी 1.5 लख जे वेझो आहे त आउं सम्झां थो त जेकॾहिं लख माण्हू कुलुक रिकॉर्ड थी वञे तारीख़ थी वञे त जॾहिं उहो इन क़िस्म जो कनेक्शन लॻाइनि त घटि में घटि पूरो 1 लख माण्हू हुते अचनि अची गॾु बीहनि जामोट सां उन खे क़यामत ताईं ज़रूरत कोन थींदी त उहो कोई अहिड़ी लाइन लॻाइनि त असीं ऐं पाण बि तमामु बिरादरी खे जेके इब्राहिम एदरी में रहनि थियूं उनखे अपील कंदुसि गुज़ारिश कंदुसि बल्कि हू पाण बि इन अहमियत खे सम्झनि था पाणीअ जे त पाणी ज़िंदगी आहे इन खां सवाइ पंहिंजो गुज़र कोन थींदो त असां सभु जान साहब सां गॾु आहियूं ऐं जंहिं ॾींहुं हुकुम कंदो ॾींहुं हुजे राति हुजे त पाण हुन सां गॾु बीठा हूंदासीं इनशाला इहो कनेक्शन कोन लॻंदो ऐं पंहिंजो पाणी बहाल रहंदो। महिरबानी। अभी दोस्तो हमारा थोरा पाणी शॉर्टेज हुआ है जिसको जो हम 8-10 दिन के बाद हमारा लाइन में पाणी आ रहा है। अगर मज़ीद इहे कनेक्शन हो जाए इहे हाइड्रेन के तो 10-12 दिन बि नी मेरे भाई दो महीने के बाद हमें पाणी अगरि मिला तो मिला ॾी तो हम जो है न वो समंदर का खारा पानी पिएंगे। एक बात मैं कहूँगा कि हमारा यहाँ एक जो है ना लीडर है बनने वाला बनने की कोशिश कर रहा है हाजी गनी साहब, तो वो सिर्फ जब वो 5 नंबर गली 4 नंबर गली से कोई जो साहब का हमायती है तो वो आके साहब को शिकायत देता है कि यार हमारा पानी का मसला है। साहब यहाँ खुद तो खुद अगर जाए खुद नहीं कोई अपना वर्कर भी उस पंप पे भेजे ना तो हाजी गनी इको साउंड इमरान इरफान
कच्ची आजीगनी एक तो सांड वाली गाड़ी पूरे गोठ में घुमा दे कि चलो हमारा पानी जामोट कब्जा कर रहा है। आज वो कहाँ है बंदा जो पूरे इब्राहिम हैदरी से होट मांग रहा है? आज हाजी गनी कहाँ है, उस्मान कच्ची कहाँ है? जो पानी ये सारा सिर्फ उनका नहीं पूरे इब्राहिम हैदरी का कब्जा हो रहा है, तो आज भी तो निकले। जब होट मांग रहा है निकलता क्यों नहीं हाजी गनी? तो मेहरबानी करो सबको बताओ कि भाई हम जो है ना सोए होते हैं वहाँ घरों में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं कि भाई पानी 12 दिन हो गए, क्या कर रहा है एमपी, क्या कर रहा है एमएनए, क्या कर रहे हैं चेयरमैन काउंसलर। तो ये देखो जाने आलम जामोर साहब ने आप लोगों को सबको बुलाया है, हमें बुलाया है कि भाई तुम्हारे पानी पे पहले भी ढाका डाला, हम वहाँ पे जो है ना मौजूद थे, हम उनको जो मुँह दे रहे थे, मगर अभी हमसे थोड़ा बात आगे निकल गई है, आप लोगों का साथ चाहिए। तो उससे मैं ये नहीं समझता कि हम जो है ना समंदर पे चले जाएं 200-500 दिहाड़ी के लिए, हम अपना रोजगार के चक्कर में हम पानी को भूल जाएं। ये हमारा जाती मसला है, इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ही जो हमारा पावर शो होगा, हमारे इब्राहिम हैदरी का पानी का मसला हल होगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है जाने आलम जामोर साहब हमारे साथ है, हम जो है ना निकले घरों से, इंशाल्लाह हमारे पानी का मसला हल हो जाएगा और ये हाइड्रेंट भी बंद हो जाएगा। जीए भुट्टो, जीए आवाम, जीए जीए पाकिस्तान। मुनाफा का मुझी नजर में बरादरी जो मसलो ना इब्राहिम हैदरी, हर बच्चे जो, हर माँ जो, हर जवान जो, हर बुजुर्ग मनी जो मसलो है, तो पानी के बगैर तो कुछ आयज न। लिहाजा हाँ समझा तो पाँच अयूब सर के लख था खैर इब्राहिम हैदरी मारो कदे भी ना निकले, मुझे खबर है। लेकिन 5000 भी मारो अगर उड़ा हलदा सी ना तू नहीं यो फाटी पोंदो ने मुझे यकीन है 2000 मारो यानी के पास सारे ड्राइंग नहीं दिया मारो। आगे याद है कि पेरी भी थे पंप लगाया वहां असी फन फिशर फोक असी उते जो को चित्रे भी बाहर निकले वो पंप कटी समूर बजी हुए वो ठीक है। इंशाल्लाह ताला पा सब मिली करे पानी जो मसलो है पा मरे बेणू पाजी मावरू पाजा बा पाजा बुजुर्ग इंशाल्लाह ताला असी अग में हुंदा सी हां सा गड हुंदा सी आंगन अलग असी बिल्कुल नहीं हो। मेहरबानी अवानी अब आया कुछ गाल गरीब माओ समझा तो उन वजाहत कर जरूरी ऐलान सियास मसलो ना हाँ इनमें जो हेर इलेक्शन विड़न पे सामूँ उन्हीं के दावत दिया तो हाजी गनी के दावत दिया तो वो भाजी शामिल थी असमें इरफान उमर के दावत दिया तो वो भाजी शामिल थी असम ये इजमाई मसलो इनमें तेरे कड़े किस्म की सियासत को करनी सब अचन पाँजो सभी जो मसलो है पानी जो इनके सभी के गच्ची को मोह दियो तो बस वही मेहरबानी करवानी सब आया आखिर में आऊँ इनो आगे प्रोग्राम दिखो जो पाँच घोट वो उन टाइम से जो आकड़े माँ को असो पुराणो देसी इब्राहिम हैदरी जो तरीक़ेकार है मस्जिद में ऐलान जो तो पा उन टाइम से मस्जिद में ऐलान जो डिसाइड करूँ था तो जीअं ही हमलो थो असाते पा मस्जिद में ऐलान कराइंदी उन असा बच्चा बार लेडीज मू जे सब उन टाइम से बहर निकरन रुकिन असो हेटा बंगले जो पाँच जो ऑफिस इनो रुकिन हिता अस जमा थी तो सब जे भी उन वक्त जमा थींदा थोड़ी तौर से 5-10 मिनट में 15 मिनट में उन्हीं से गड ही पा निकरदी बिहार जो भी रही वन सो तो वे हलिया अचन निकरण ये जी पानी निकरे तो बुआल करें मारे के बुआल करे तो निकरण इन हमले के असो रोकणो ये समझो ये जहाद असे पानी की बकाल हर हालत में विड़ो पवो